से है। आपको बता दें इस वक्त कानपुर से खबर आ रही है जहां पर ग्रीन पार्क मैदान में आज खेला जाएगा मैच। ऐतिहासिक ग्रीन पार्क मैदान में आज ये मैच खेला जाएगा। रोड सेफ्टी सीरीज का आज होगा उद्घाटन। इंडिया और साउथ अफ्रीका का होगा आज पहला मैच। इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में आज ये मैच खेला जाएगा। मैच को लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। मैच के टिकट के लेकर उमड़ी भीड़, लोगों में उत्साह है मैच को लेकर कानपुर वासियों में। ग्रीन पार्क मैदान में आज मैच खेला जाएगा। ऐतिहासिक ग्रीन पार्क मैदान में आज ये मैच खेला जाएगा। रोड सेफ्टी सीरीज का आज उद्घाटन होगा। इंडिया और साउथ अफ्रीका का ये मैच पहला खेला जाएगा। मैच को लेकर तैयारियां भी पूरी हो गई हैं। मैच के टिकट को लेने के लिए भीड़ भी उमड़ी है, तो वहीं कानपुर वासियों में मैच को लेकर उत्साह देखने को मिला। तो इसी खबर पर खेल संवाददाता विशाल पंडित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, क्या कुछ जानकारी है आज के इस मैच को लेकर, लोगों में क्या उत्साह देखने को मिल रहा है और क्या कुछ तमाम जानकारी आपके पास है आज को लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस टाइम ग्रीन पार्क गेट नंबर 6 पर यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ पर इस तरह लगातार जो जाम की समस्या थी या जो लोगों को आने का तरीका था वो भी दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे बिल्कुल लोग जो उत्साह है, भीड़ है, वो यहाँ पर मौजूद है और लगातार यहाँ पर जो खेल प्रेमी है वो कहीं ना कहीं जो प्लेयर्स है उन्हें देखने के लिए आ रहे हैं। सचिन की बैटिंग देखने के लिए लोग आ रहे हैं। लोग 6-6 बजे से यहाँ पर लाइन पर लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, तो जिस तरह से कल जो टीम जाम में फंसी थी, आज यहाँ पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। बिल्कुल किसी भी गाड़ी को खड़े नहीं होने दे रहा है। जो रोड पर भी जो गाड़ियां पार्क है उन्हें भी हटवाने का काम किया जा रहा है। सबसे बड़ी चीज, बुक माई शो से टिकट कैंसिल होने के बाद अभी तक उन्हें कोई ऐसा जवाब नहीं मिला जिससे खेल प्रशंसक वहां पर सीधे एंट्री कर सके, क्योंकि कल तक बुक माई शो पे टिकट बुक हो रहे थे। लोगों ने 10-10 दिन पहले टिकट बुक कर लिए थे, लेकिन अब टिकट बुकिंग जो थी वो कैंसिल सबकी कर दी गई। और उसके बाद अब वो लोग परेशान है कि हम कहाँ जाएं, हम क्या करें, हम किससे गुहार लगाएं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं है। जब हम खेल प्रशंसक को उस समय से बात कर रहे हैं, वो इसी के लिए कह रहे हैं कि हम लोगों ने महंगे महंगे टिकट बुक किए, लेकिन उसके बाद भी हमें अभी तक एंट्री नहीं मिल पाई है। विनय, ये रोड सेफ्टी जो सीरीज हो रही है, अगर देखा जाए इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में खेला जा रहा है, तो वैसे इंडिया में कौन कौन प्लेयर है, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? अगर बात करें तो कप्तान मास्टर पास सचिन तेंदुलकर है, इस टीम में सुब्रमण्यम बद्रीनाथ है, इरफान पठान है, यूसुफ पठान है, सुरेश रैना है, मुनफ पटेल है, नमन ओझा है, प्रज्ञान ओझा है, स्टुअर्ट बिन्नी है, मनप्रीत सिंगोनी है और युवराज सिंह है। तो ये एक अच्छी टीम इधर भी देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बात करें साउथ अफ्रीका टीम की, तो यहाँ पर कप्तान जॉन्टी रूट्स है, उनके साथ जॉयन कोटा है। ऐसे तमाम बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिन्हें हम इंटरनेशनल सर्किट में खेलते देखते नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विशाल। तो आपको बता दें कि रोड सेफ्टी वीक का मैच हो रहा है ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में, जहां पर दर्शकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और वहीं टिकट को लेकर भी काफी भीड़ उमड़ी हुई है।